हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं माय लास्ट डचेस। पोइम है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई पोइम है माय लास्ट डचेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड नोट्स लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, तैयारी कर रहे हैं आप लिटरेचर की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्राउनिंग बॉर्न। ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1812 में। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही डाई, इनकी डेथ कब हुई थी? 1889 में। नेक्स्ट, हु वाज मिसेस ब्राउनिंग। मिसेस ब्राउनिंग कौन थी? वो थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। नेक्स्ट, हु रोट द फॉलोइंग लाइन, ये लाइन किसने लिखी है? आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। काफी फेमस लाइन है ये, तो ये ब्राउनिंग की लाइन है कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्राउनिंग्स पॉपुलर पोएटिक फॉर्म। ब्राउनिंग की पॉपुलर पोएटिक फॉर्म कौन सी है? वो है इनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माय लास्ट डचेस हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ डचेस। लास्ट डचेस में डचेस की पिक्चर कौन पेंट करता है? वो पेंटर है फ्रा पेंडोल्फ। नेक्स्ट, वट इज द नेम ऑफ द स्कल्प्टर इन माई लास्ट डचेस। इसमें जो स्कल्प्टर है, जो मूर्ति बनाता है, जो स्कल्प्टर के बारे में बताया गया है वो है, उसका नाम क्या है? वो है क्लेंस ऑफ इंसब्रक। नेक्स्ट, हु नरेट्स अ पोएम। पोएम को कौन नरेट कर रहा है? द ड्यूक ऑफ फेरारा। फेरारा का ड्यूक है, वो पोएम को नरेट कर रहा है। नेक्स्ट, वट इज द ड्यूक्स कंप्लेंट अगेंस्ट द डचेस। ड्यूक की कंप्लेंट क्या है डचेस के अगेंस्ट? नॉट बीइंग अवेलेबल टू हिम एट ऑल टाइम्स। वो उसके लिए अवेलेबल नहीं होती है, उसे ऐसा लगता है ड्यूक को कि हमेशा जो डचेस है वो किसी को भी देखकर स्माइल कर देती है, किसी की भी छोटी से छोटी गिफ्ट पर वो मतलब उसी तरीके से किसी की भी गिफ्ट को लेती है जिस तरीके से वो ड्यूक की गिफ्ट को लेती है। कोई अंतर ही नहीं समझती है किसी में कि ड्यूक की जो इतनी कीमती गिफ्ट है और किसी की जो इतनी छोटी सी आम गिफ्ट है उसमें वो कोई अंतर नहीं करती है। कोई उसकी थोड़ी सी भी तारीफ करती है तो सेम स्माइल वो उसको भी देती है, सेम स्माइल जो ड्यूक को देती है, तो ये सब ड्यूक को अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ड्यूक डचेस को मरवा देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूक अरेंजिंग इन माई लास्ट डचेस। अब इसमें पोएम में ड्यूक क्या अरेंज कर रहा है? वो अपने लिए अ न्यू मैरिज फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए एक नई मैरिज को अरेंज कर रहा है। नेवरिंग काउंट की डॉटर है, उससे वो अपने लिए अरेंज कर रहा है मैरिज के लिए, और वो चाहता है कि जो उसकी ब्राइड हो, जो उसकी नई डचेस बने, वो भी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल हो। साथ में डोरी भी मांगता है, पर फिर भी वो ये कहता है कि डोरी तो मिल ही जाएगी क्योंकि वो काउंट है, लेकिन जो वाइफ होनी चाहिए, जो डचेस होनी चाहिए, वो काफी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट, वेयर इज द डचेस, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम। जो डचेस है, जो इस पोइम का सब्जेक्ट है, वो कहाँ है? शी इज डेड। वो मर चुकी है, ड्यूक ने उसे मरवा दिया है। नेक्स्ट, वेयर डज दिस पोइम टेक प्लेस। ये पोइम कहाँ टेक प्लेस लेती है, कहाँ पर होती है, कौन सी जगह पर? जगह का नाम दिया है यहाँ पर फेरारा है, जो कि इटली में है। नेक्स्ट, टू हुम द ड्यूक इज टॉकिंग। और ड्यूक किससे बात कर रहा है? ये सारी बातें जो पोएम में नरेट करता है, जो नरेटर की तरह ड्यूक जो पोएम है वो कहता है, लेकिन पूरी पोएम में वो किससे कह रहा है, किससे बात कर रहा है? तो एक मैसेंजर है ऑफ द नेबरिंग काउंट। नेबरिंग काउंट का मैसेंजर है, उससे जो बात कर रहा है। नेक्स्ट है, द ड्यूक इज अ मैन ऑफ। ड्यूक किस तरीके का आदमी है? वो है हाईली पजेसिव नेचर का। उसका जो नेचर है वो हाईली पजेसिव है, और इसी वजह से वो अपनी डचेस पर शक करता था। नेक्स्ट, हु गेट्स द डचेस किल्ड। डचेस को कौन मरवा देता है? ड्यूक। नेक्स्ट, हुज पिक्चर इज पेंटेड ऑन वॉल। वॉल पर किसकी पिक्चर है? डचेस की। बिकॉज द ड्यूक वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हर ब्यूटी। क्योंकि ड्यूक उसकी ब्यूटी का बहुत ज्यादा ही एडमायरर था, बहुत बड़ा एडमायरर था, उसकी सुंदरता को बहुत ज्यादा एडमायर करता था, इसलिए उसने डचेस की पेंटिंग बनवाई थी वॉल पर। नेक्स्ट, टू हुम ड्यूक शोज द पोर्ट्रेट ऑफ डचेस। डचेस की पोर्ट्रेट ड्यूक किसे दिखाता है? उस मैसेंजर को दिखाता है। नेक्स्ट, व्हाट अनदर पीस ऑफ आर्ट डज द ड्यूक शो
टू द मैसेंजर, उस मैसेंजर को दूसरा जो आर्ट का पीस है वो कौन सा है, क्या दिखाता है? तो वो है अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून का ब्रोंज का स्टैचू है, द सी गॉड, नेपच्यून कौन है, सी गॉड है, राइडिंग अ सी हॉर्स, जो कि सी हॉर्स को राइड कर रहे हैं, उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये स्कल्प्टर जो है यहाँ पर, जिसके बारे में हमने बताया था, क्लेंस ऑफ इंसबर्ग जो स्कल्प्टर है, उसने ये स्टैचू बनाया है नेपच्यून का। नेक्स्ट, व्हाट फीचर ऑफ द पोर्ट्रेट इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग, पोर्ट्रेट के किस फीचर को ज्यादा ही स्ट्राइक किया गया है, कौन से फीचर को पोर्ट्रेट की, जो डचेस की पोर्ट्रेट है उसके किस फीचर को ज्यादा स्ट्राइक किया गया है, वो है उसकी आईज, उसकी आंखों को ज्यादा स्ट्राइक किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट बॉदर्ड द ड्यूक अबाउट द डचेस स्माइल, डचेस की स्माइल के बारे में ड्यूक को क्या चीज बॉदर करती थी, दैट इट वॉज नेवर रिजर्व्ड फॉर हिम, कि ये केवल उसके लिए रिजर्व नहीं रहती थी, वो किसी को भी स्माइल दे देती थी, यानी किसी को देखकर भी स्माइल कर देती थी, किसी की भी छोटी से छोटी बात पर स्माइल कर देती थी, ये केवल ड्यूक के लिए रिजर्व नहीं थी, तो इस ये चीज को बहुत बॉदर करती थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ माई लास्ट रेसिस, माई लास्ट रेसिस की राइम स्कीम क्या है, वो है इंजाम्ड राइमिंग कॉपलेट्स, इंजाम्ड राइमिंग कॉपलेट्स का इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज अ स्पॉट ऑफ जॉय, अ स्पॉट ऑफ जॉय जो फ्रेज है इसका मीन क्या है, इसका मीन है अ ब्लश। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द रिपीटेड इंजाम्बेंट हैव इन दिस पोएम, इस पोएम में जो रिपीटेड इंजाम्बेंट का यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है, इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट द ड्यूक रेयरली पॉजेस फॉर ब्रीथ, ये ऐसा इंप्रेशन देता है जैसे कि ड्यूक रेयरली पॉजेस फॉर ब्रीथ, के बहुत ही रेयरली ड्यूक रुकता है ब्रीथ लेने के लिए, यानी कि लगातार वो बोलता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड मेंटल इज यूज्ड इन द पोएम, पोएम में मेंटल जो वर्ड यूज किया है वो किसके लिए यूज किया गया है, वो है क्लॉक, क्लॉक के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, ये क्लॉक में आप डिफरेंस कर सकते हैं, ये सी एल ओ ए के है क्लॉक, जिसे हम कपड़ा के रूप में, एक जो ऊपर से हम कपड़ा ओढ़ लेते हैं उसके रूप में यूज करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम, पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, वो है राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है ये पोएम। तो ये यहाँ पर माई लास्ट रेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मे बी ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ज्यादा बहुत बड़ी पोएम नहीं थी, कुछ मीडियम पोएम है ये माई लास्ट टचेस, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं बनाए हैं, कोशिश की है। तो अगर इसी तरीके से नोट्स या क्वेश्चन आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।